नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को एसडीएम भोगाव ने दिलाई शपथ। खबर ब्लॉक सुल्तानगंज मैनपुरी से है, जहां नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अस्मिता सिंह राजपूत को आज भोगाव एसडीएम श्री सुधीर ब्लॉक कुमार ने ब्लॉक सुल्तानगंज के सभागार में शपथ दिलाई। इस मौके पर माननीय श्री राम नरेश अग्निहोत्री आबकारी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। तो वहीं ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि कश्मीर सिंह राजपूत ने कैबिनेट मंत्री को माला व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं एसडीएम भोगाव को माला पहनाकर एवं नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अस्मिता राजपूत को खंड विकास अधिकारी राजकुमार शर्मा ने पुष्प भेंट कर स्वागत किया। शपथ ग्रहण समारोह में क्षेत्र के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं सभी ग्राम प्रधान मौजूद रहे। सभी बीडीसी सदस्यों को ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अस्मिता सिंह राजपूत ने शपथ दिलाई। तो वहीं उनके प्रतिनिधि श्री कश्मीर राजपूत ने सभी सदस्यों एवं ग्राम प्रधानों को माला पहनाकर शॉल उड़ाई। इस अवसर पर संजीव राजपूत एडवोकेट, श्रीमती ममता राजपूत, ईशु यादव, पंकज पांडे, रामानंद शास्त्री, बलवीर सिंह, मनोज राजपूत, शुगर सिंह प्रधान, पूरन चंद्र शास्त्री, सुरजीत राठौर, बलवीर सिंह लोधी, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, जाहर सिंह, ब्रजेंद्र सिंह चौहान, कलेक्टर सिंह राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। मैनपुरी से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। मंत्री जी, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख पद और जिलाध्यक्ष के बीजेपी की ज्यादातर बने हुए हैं, सर आगामी 2022 में किस तरह से चुनाव आप लड़ेंगे और सर बताएं? ये जो ब्लॉक प्रमुख के और जिला पंचायत का चुनाव था, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का एक तरह से जनमत संग्रह, प्री पोल भी इसे कह सकते हैं। योगी जी के नेतृत्व पर जनता ने अपनी मोहर लगा दी और आने वाले 2022 में हम पिछली बार 325 विधानसभाओं पर जीते थे, इस बार 350 विधानसभाएं जीतकर रिकॉर्ड बनाएंगे और फिर माननीय योगी जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर। आज यहाँ जो ना ब्लॉक प्रमुख का पदभार ग्रहण किया, शपथ दिलाई है, आपके मध्य में दिलाई है, सर क्या मतलब इनके जीवन के लिए आप कहेंगे? राघवेंद्र सिंह और कश्मीर राजपूत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पत्नी अस्मिता राजपूत ब्लॉक प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुई हैं। आज उनका शपथ ग्रहण था, मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सुल्तानगंज ब्लॉक में विकास की गंगा बहाने का काम हमारी नई ब्लॉक प्रमुख करेंगी और पूरे ब्लॉक में